स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, मीन्स यहाँ से हम कंप्यूटर सिस्टम की स्टार्टअप करते हैं, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से लेकर के स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम क्या है ये जान लेते हैं। कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम में एक सिस्टम यूनिट होगा, यहाँ पे जो दिखाया गया आपको एक आउटपुट डिवाइस से मॉनिटर के रूप में आपको दिखाया गया है यहाँ पे, और एक कीबोर्ड एंड माउस, ये इतनी चीज़ों को मिला करके हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे दो डिवाइसेस अलग से दिखाई गई हुई हैं, एक प्रिंटर और एक मास स्टोरेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंस और भी क्लियर कर देंगे। जो मॉनिटर होता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट डिस्प्ले करता है, और जो प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट डिस्प्ले करता है। मास स्टोरेज डिवाइस हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, कीबोर्ड और माउस हमारे इनपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, और जो सिस्टम यूनिट है ये प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। आगे हम जानेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि दैट टेक सम इनपुट प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिव्स सम मीनिंगफुल आउटपुट। मींस एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कुछ इनपुट डेटा लेगी, उस इनपुट डेटा की प्रोसेसिंग होगी अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल आउटपुट। और जो कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी होती है कुछ इस तरीके से, पहले इनपुट होगा फिर प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हमें डिस्प्ले मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ वर्क करता है। इसके ब्लॉक डायग्राम को हम आगे समझेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, अब जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा इंटेलिजेंस, चौथा वर्सटैलिटी, रिलेबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी। तो स्पीड सबसे पहले जानते क्या है, कंप्यूटर वर्क्स विथ हायर स्पीड्स एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के कंपेरिजन में कंप्यूटर बहुत तेजी से कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मीन्स मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में ही परफॉर्म कर सकता है। अगला जो है एक्यूरेसी, कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी, मीन्स जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 100% क्या करेगा, रिजल्ट्स एक्यूरेट प्रोवाइड कर देगा। डिलीजेंसी, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी, मीन्स बहुत सारे कैलकुलेशन एक साथ में सेम एक्यूरेसी के साथ में परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर डज नॉट फील एनी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स डज नॉट टायर्ड, मीन्स कह सकते हैं कंप्यूटर में कभी भी क्या होता है टायर्डनेस नहीं आती, वो कंटिन्यूसली हमारा वर्क करता रहता है, 6 to 8 hours कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, और सेम एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है विद 100% एक्यूरेसी। वर्सटैलिटी, कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद सेम एक्यूरेसी, मीन्स कंप्यूटर एक साथ में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है विद सेम एक्यूरेसी, मतलब उनकी एक्यूरेसी के साथ में वो कई सारे टास्क एक समय पे ही परफॉर्म कर सकता है। रिलेबिलिटी मीन्स होता है आपका विश्वसनीयता, मीन्स कंप्यूटर रिलेबल होता है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। इफ वी गिव
सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, किसी कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप उस डेटा को दीजिए, बट डेटा क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, सेम रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता रहेगा। जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप देंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको वो सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। अगला है ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन के बगैर ये ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करता रहता है। अगला जो फीचर्स है हमारा वो है मेमोरी का, अ कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी कार्ड प्राइमरी वेयर इज इट स्टोर डेटा, मीन्स कंप्यूटर में मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, दोनों मेमोरीज का कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का वर्क होता है। प्राइमरी मेमोरी टेम्परली डेटा को स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकती है। सेकेंडरी मेमोरी में कुछ अवेलेबल मेमोरी टाइप्स भी आती हैं, वो आगे मेमोरी के पार्ट्स में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे हमारे कंप्यूटर के। अब आगे जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, लिमिटेशंस क्या होती है कंप्यूटर्स की, इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन, मीन्स कंप्यूटर्स में अपने आप कुछ सोचने थिंक करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब सेल्फ में कुछ सोच नहीं सकता है। इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, सेल्फ में वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, वो अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, मीन्स सीखने और इम्प्लीमेंट्स की उसको लागू करने की कैपेसिटी या उसमें वो असमर्थ होता है। अगला जो पार्ट रहता है वो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहता है। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब वेयर द प्लेसेस विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड, वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज होता है, उनके यूजेस वहाँ पे कंप्यूटर्स का क्या यूज है। जैसे होम, होम में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन बिल पेमेंट्स हो गया, वॉच मूवीज हो गया, या असाइनमेंट्स क्रिएशन हो गया, इस तरीके की चीज़ों का हम यूज करते हैं, एजुकेशनल पर्पज में भी यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड्स में जब बदलाता है, मेडिकल फील्ड्स में जो कंप्यूटर यूज होता है मेंटेनिंग डेटाबेस फॉर पेशेंट्स हिस्ट्री, ठीक है, एक्सरेज, सर्जन, तो इस तरीके से चीज़ें भी मेडिकल फील्ड्स में मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। मीन्स बेसिकली जो यूज होता है वो डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स हिस्ट्री डायग्नोसिस एक्सरे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम मेडिकल फील्ड्स में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। अगला है एंटरटेनमेंट्स, कंप्यूटर्स हेल्प टू वॉच मूवी, ऑनलाइन प्ले गेम्स, एक्ट एज ए वर्चुअल एंटरटेन इन प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, मीन्स एंटरटेनमेंट में भी हम इसी तरीके से कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, म्यूजिक को सुनना, मूवी को देखना, वीडियोज को क्रिएट करना, इस तरीके से चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल फील्ड में भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड्स में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं परफॉर्मिंग सेपरेट टास्क, कंप्यूटर बहुत सारे टास्क इंडस्ट्रियल उसमें फील्ड में परफॉर्म करते हैं, फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री, डिजाइनिंग पर्पज, क्रिएटिंग वर्चुअल सैंपल्स, ठीक है, मीन्स हम डिजाइनिंग भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डिजाइनिंग क्रिएट करना होता है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग का भी यूज हम कर सकते हैं, इस तरीके से इंडस्ट्रियल पर्पज में भी यूज करते हैं। अगला है एजुकेशन, एजुकेशन पर्पज में जो कंप्यूटर यूज होता है वो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रेफरिंग ई बुक्स, ठीक है, मीन्स बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या स्कूल वगैरह में बच्चों को अच्छे से विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन, मीन्स विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू
मीन्स कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन के पार्ट में भी यूज करते हैं। अगला जो फील्ड है हमारा वो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कंप्यूटर्स का यूज होता है। फॉर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ सिटीजंस एंड सपोर्टिंग पेपरलेस एनवायरनमेंट। इस तरीके की चीज़ों के लिए भी हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में, इन बैंकिंग सेक्टर्स कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टोर डिटेल्स ऑफ कस्टमर एंड कंडक्टिंग ट्रांजेक्शंस सच एज पेट्रोल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी थ्रू ATMs वगैरह के थ्रू भी हम बैंकिंग सेक्टर्स में यूज करते हैं। बिजनेस पर्पज में भी यूज करते हैं। बिजनेस पर्पज में मेंटेनिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग विच इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन विद सप्लायर्स एम्प्लॉयज और कस्टमर्स, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ट्रेनिंग पर्पज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कराते हैं टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज टू सेव मनी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं। आर्ट्स पर्पज में भी यूज होता है, फॉर डांसिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर्स हो गया, इस तरीके की चीज़ों को यूज करने के लिए हम आर्ट्स फील्ड यूज करते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर्स का बहुत यूज होता है। कंप्यूटर्स विद हाई परफॉर्मेंस आर यूज टू स्टिमुलेट डायनेमिक प्रोसेसेस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। सुपर कंप्यूटर्स है न्यूमरस एप्लीकेशन इन एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में भी कंप्यूटर्स का बहुत सारा यूज होता है। इस तरीके से ये कुछ एप्लीकेशंस थे कंप्यूटर्स फील्ड के, कंप्यूटर्स के इन प्लेसेस में कंप्यूटर्स का यूज होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ें इसमें से समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।